बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में ट्रेन में चढ़ने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ स्टेशन पर जुटी हुई थी। इस बीच अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ में 9 लोग घायल हो गए थे। भगदड़ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुई थी। रविवार को मची भगदड़ का सीसीटीवी अब सामने आया है। आप देखिए कैसे यहाँ पर बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है और ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों की भीड़ स्टेशन पर जुटी हुई होती है, अचानक से भीड़ बेकाबू हो जाती है। 9 लोग इसमें घायल हो गए। भगदड़ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुई थी। रविवार को भगदड़ मचती है। अब देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है कैसे यहाँ पर ट्रेन में चढ़ने को लेकर के धक्का मुक्की होती है और उसके बाद यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। अचानक से रेलवे स्टेशन पर लोग बेकाबू हो जाते हैं। अफरा तफरी का माहौल होता है। आप समझिए कि त्योहार का मौसम है और लोगों के हाथ में काफी सामान है। लोगों को अपने घरों तक पहुंचना है, मंजिल पर पहुंचने की जल्दी है, ट्रेन पर चढ़ना है। किस तरीके से जान को जोखिम में डालकर भी ये लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं और उसके बाद जब हालात बेकाबू होते हैं तो उसमें 9 लोग घायल हो जाते हैं जिनमें से कई को अस्पताल पहुंचाया जाता है। अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ऐसे में जो ये बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ मचती है उसके बाद बाकी रेलवे स्टेशन पर भी रियलिटी चेक हो रहा है ताकि ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्षमता से ज़्यादा लोग इस वक्त रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती है। वेटिंग टिकट कंफर्म लोगों की नहीं हो पा रही है। ऐसे में आप देखिए इस तरह के हालात बने हुए हैं। देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर तस्वीरें ऐसी सामने आती रहती है और ये ताज़ा मामला रविवार यानी कि कल का है जब बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ मचती है। अब सीसीटीवी सामने आता है। आप देखिए कि लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, ऊपर से उनके हाथ में काफ़ी सारा सामान है, ट्रेन में पहुंचने की जल्दी है, समय कम होता है, क्षमता से ज़्यादा लोग होते हैं और ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए चप्पल इधर उधर गिरी हुई है, लोगों को अस्पताल में पहुँचाया जाता है। यहाँ पर ये आप देखिए किस तरीके से लोग घायल हुए हैं। मालूम नहीं था कि उनको मंजिल तक पहुंचना था लेकिन उससे पहले ही अस्पताल जाना पड़ जाएगा। 9 लोग इसमें घायल हुए हैं और उसके बाद हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश भी होती है। देखिए पुलिस वहां पर पहुंचती है लेकिन तब तक स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती है।